संविदा नर्सिंग कर्मियों ने की नियमित करने की मांग। जुलूस निकाल कर कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल से लेकर कलेक्टर तक रैली निकालकर वसुंधरा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इन कर्मियों का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले चुनाव के दौरान संविदा पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों से उन्हें नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी सरकार वादा पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। नर्सिंग कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने अपने वादों को पूरा करते हुए उन्हें नियमित करने के लिए आदेश जारी नहीं किए तो नर्सिंग कर्मी बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान संविदा नर्सेज आज नियमित करने की मांग को लेकर यहाँ पे सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन करने के माध्यम से हमने इससे पहले गेट मीटिंग की थी कि जेरन मेडिकल कॉलेज की आपातकालीन विभाग के सामने। स्वराज संकल्प के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने कहा था कि संविदा नर्सेज को नियमितकरण किया जाएगा, सभी को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आज तक हमारी मांग नहीं सुनी। आज संविदा नर्सेज अल्प वेतन भोगी है, कम वेतन में और इतना अधिक काम करती है, 5-10 सालों से काम कर रही है, कोई 3 साल से, कोई 7 साल से, लेकिन सरकार ने अपने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा था कि हम सभी को परमानेंट करेंगे। हम समान योग्यता रखते हैं, समान योग्यता, समान कार्य करते हैं, अधिकतर हम परमानेंट वाले स्टाफ से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमको आज तक नियमितकरण नहीं किया। सरकार ना तो आश्वासन देती है तो मुकर जाती है। पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, 48 दिन धरना चलाया था, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। हम सरकार, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को और माननीय प्रधानमंत्री को हम कहना चाहते हैं, उपचुनाव में अगर हमारी नियमितकरण की मांग को जल्दी नहीं सुना तो हम लोकतंत्र में तानाशाही के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे और चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे और आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे कि नर्सेज का जो तिरस्कार है, कर्मचारी का तिरस्कार है, वो क्या होता है। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार वो नियमित कर्मचारी जो प्रोबेशन लिए उनको जितना पेमेंट देते हैं उतना ही हमको दिया था, 14,660 उनको देती है, 14,660 हमको देती है। सरकार को नियमित करने में क्या जा रहा है? अगर हमारे कर्मचारी नियमित हो जाए तो उनके परिवार चल जाए। आज मैं 32 साल का हो गया, सरकारी नौकरी में किसी में फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि NOC नहीं देते, मेडिकल कॉलेज वाले मना कर देते कि आप दूसरी के चल जाओगे, दूसरी के फॉर्म नहीं भर सकते, ये नियमित करते नहीं तो हम चाहेगा। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी नियमित करें, नहीं तो पूरी संविदा नर्सेज भूख हड़ताल में बैठेगी। लास्ट उपाय हमारा यही है, लोकतंत्र में अगर वो हमको मारना चाहेंगे तो मार सकते हैं, लाठी चलवाएंगे तो लाठी चला सकते हैं। हमारी मांग एक ही है, नियमितीकरण। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंगा सरन चार्टर, कार्यकारी जिलाध्यक्ष संविदा नर्सेज और राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन क्लास अजमेर।